दोस्तों कैसे हैं? आज फिर लेके आए आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा काम। हर बार आप लोगों के लिए बढ़िया और अच्छे काम लेकर आता हूँ, अच्छी चीज बताने की कोशिश करता हूँ। आज बात करेंगे कि गांव में रह के पैसा कैसे कमाएं। हर बार आप लोगों को यार मैं इतने आइडियाज देता हूँ, इतनी चीजें बताता हूँ और वो चीजें बताता हूँ जो चलने के चांस बहुत अच्छे हैं। और इन्वेस्टमेंट कई बार तो ना के बराबर रहता है, कई बार थोड़ा बोड़ा रहता भी है। कोई भी काम करोगे ना, हकीकत बताऊँ आपको, ये नहीं देखना कि यार इन्वेस्टमेंट अगर कम हो रहा है ना वो सबसे अच्छा काम है मेरी नज़र में। हकीकत बताऊँ जहाँ देखो, एक आपने अगर कहीं 10 लाख रुपए लगाए और कहीं पे अगर 10,000 लग रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा चाहे बेशक 10,000 वाले में आपको शुरू में प्रॉफिट कम हो, लेकिन वो काम आपका बहुत अच्छा है। 10,000 वाले में अगर फेल हो गया, सबसे ज़्यादा लोगों को क्या डर लग रहता है जब कोई काम चालू करता है कि भैया कहीं फेल ना हो जाए हमारा काम। 10,000 जो 10 लाख वाला है ना, उसको फेल होने का ना डर हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है, और 10,000 वाले को ना फेल होने का डर बहुत कम रहता है। यार फेल हो जाएगा तो हम सोचेंगे यार क्या चला जाएगा, 10,000 ही तो चले जाएंगे। तो आपकी जो मेंटेलिटी है या आपकी जो पावर है ना सोच, बड़ी ऊपर होती है। इसलिए कहता हूँ कम पैसे में अगर कोई काम चालू होता है ना, उसमें हमेशा ट्राई करो और बहुत बेटर है। जो आज बताने वाला हूँ इसमें तो भाई साहब 10,000 भी नहीं लगेंगे, हकीकत बता रहा हूँ। बहुत कम पैसे में आपका काम चालू हो जाएगा और गाँव से घर बैठे बैठे मुश्किल से आधे घंटे का काम, आधे घंटे आप काम कर लो, और वो भी रेगुलर नहीं है। मैं और एक चीज़ और बताऊँ, वो भी रेगुलर नहीं है, मुश्किल से आधे घंटे। इतना ज़बरदस्त और इतना अच्छा काम है। कौन सा काम है वीडियो पूरा देखना, नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया वीडियो लाता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। आज बात करते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन अपने जो फ्री के मटेरियल हैं जो गाँव में अवेलेबल हैं उनको कैसे सेल करें, फ्री के, बिल्कुल फ्री के। अब ऐसे कौन से मटेरियल हैं आपको एक करके बताते हैं, वीडियो पूरा जरूर देख लेना, उसके बाद कमेंट करना, बहुत अच्छी चीज़ है। पहले बात करते हैं ऑनलाइन के लिए चाहिए क्या। ऑनलाइन के लिए पहले तो आपको चाहिए भैया GST, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई चीज़ ऑनलाइन सेल करनी है उसके लिए आपके पास कंपलसरी है कि GST नंबर होना चाहिए। बिना GST के आप ऑनलाइन कोई चीज़ नहीं सेल कर सकते, तो GST नंबर सबसे ज़रूरी है। अब जब GST नंबर बनवाने के लिए लोग कहते हैं कि यार बनवाएं कैसे, तो या तो आप किसी CA से कन्फर्म, मतलब आप किसी CA को जानते हो तो आप उससे बनवा सकते हो, नहीं जानते तो जिन प्लेटफॉर्म पर आप रजिस्टर करने जाओगे ना वहाँ भी ऑप्शन दिया रहता है कि आप हमारे थ्रू भी GST नंबर बनवा सकते हो। और तीसरी चीज़ है, आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे ऐप हैं उनके थ्रू भी आप GST नंबर बनवा सकते हो। वहाँ रजिस्टर करके 500-700 रुपये में बना के दे देते हैं, कई बार 1,000 भी लग जाते हैं, कई बार 1,500, डिपेंड करता है ऑलमोस्ट। अगर देखोगे क्योंकि आप मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत सारे ऐप आ गए, बहुत सारे CA और वो हैं कि सबको काम चाहिए, तो 500-500 रुपये में बना के दे देते हैं, ईजीली आप बनवा सकते हो। अब बात करते हैं प्रोडक्ट कौन से बेचने हैं जो फ्री में। देखो आपने देखा होगा हवन वगैरह के लिए ना आम की लकड़ी चाहिए रहती है शहरों में, जो गांव में बिल्कुल फ्री रहती है। गांव में क्या रहता है, बिल्कुल फ्री, और उसको शहरों में बड़े आराम से एक अच्छे रेट पे ऑनलाइन बेच सकते हो। आप अंदाज़ा लगाओ, ऑनलाइन आप बड़े आराम से बेच सकते हो कितने में। यहाँ पे फोटो लगा दूँगा, आप देख लेना कितने में बिकती है। तो छोटे छोटे पैकेट, इतने बड़े बड़े पैकेट आप लगा लो, कितने के बिकते पता है, 200, 250, 300। हकीकत बता रहा हूँ, जिनको ऑलमोस्ट आपको फ्री में गांव में मिल जाती है। क्योंकि गांव में ज़्यादातर देखा होगा आम की लकड़ी को यूज़ भी नहीं करता, मतलब जलाने में नहीं यूज़ की जाती है, पूजा या हवन इस तरह के उसमें ही यूज होती है। छोटे छोटे टुकड़े करके रख लो, और जब भी ऑर्डर आए फटाफट पैक कर दो। 10 रुपये का मुश्किल से खर्चा आएगा पैकिंग, लेबल, सब कुछ निकालने का, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और मैं आपको बताऊं, कम से कम 3 से 4 प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करो, 3 से 4। आप मीशो कर दो, अमेजन कर दो, फ्लिपकार्ट कर दो, और भी जिस तरह के जितने भी ऐप हैं उन पे जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर करोगे, एक एक दो दो ऑर्डर भी आते हैं यहाँ से, दिन के मैं बता रहा हूँ 4-5 ऑर्डर, 5-10 भी आ गए ना, कम से कम 1,000 से 1,500 का प्रॉफिट की बात करूँ। इसी तरह का एक और काम बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर 4-5 बता देता हूँ, बाकी आप अपने यहाँ पे देख लो आपके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं जो ऑनलाइन बिकती हैं। ऑनलाइन जाओ, सर्च करो और देखो कि यार ये क्या चीज़ क्या रेट में बिक रही है, जो हमारे गांव में लगभग लगभग या तो आपके खेत में पैदा होती होगी या लगभग लगभग फ्री में मिल जाती है, कैसे बेच सकते हैं। नंबर 2 की बात करूँ, गोबर की खाद। गोबर की खाद है ना, ये भी ऑलमोस्ट पैसा बहुत सेल होती है। अब मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, फोटो आप देख लेना कि ये कितने की बिकती है, रियलिटी बता रहा हूँ, ये कितने की बिकती है। कम से कम लगा लो 200, 250, 300, 5-5 किलो के इकट्ठे भाई साहब 200, 200, 300, 300 रुपये में बिकते हैं, और 10-10 किलो के इकट्ठे 500, 500, 400, 400, जो लगभग लगभग, मैं बताऊँ अगर आपके घर में से 1-2 गाय भैंस जानवर रहते हैं ना, तो फ्री में मिल जाते हैं। आप लगा लो, फ्री की चीज़ आप बेच सकते हो। अब इसके लिए क्या चाहिए, एक भाई साहब कट्टा चाहिए 5 किलो 10 किलो के, और मोस्टली
20-25 किलो तक, इससे ऊपर का नहीं ऑनलाइन ज्यादा बिकता। मैंने देखा सबसे ज्यादा बिकता 5 किलो और 10 किलो। अब 2 साइज के 3 साइज के इकट्ठे मंगाओ, एक छोटी सी मशीन आती है पैक करने के लिए, बस जब ऑर्डर आए फटाफट पैक कर दो और डिलीवरी वाले बंदे ये सारा मटेरियल आजकल आपसे गांव से ले जाएंगे, आपके घर से, क्योंकि हर जगह डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है हर गांव में। अगर आपके यहाँ अभी तक नहीं पहुंची तो मुश्किल से बता रहा हूँ 1 साल के अंदर हर जगह अवेलेबल होगी। मैं देख रहा हूँ तो हमारे गाँव में भी अभी 1-1.5 साल पहले नहीं थी, लेकिन आजकल हर जगह अवेलेबल है। तो धीरे धीरे करके हर जगह सारी सर्विस अवेलेबल है, आपको कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना, आपके घर से ले जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है इनमें, कि इनमें रिटर्न नहीं होता, जो चला गया वो चला गया, रिटर्न पॉलिसी नहीं होती। ज़्यादातर ऐसे मटेरियल होते हैं भैया आपने अगर बेच दिया तो वो चला गया, वापस नहीं आता। तो इसकी ये भी से एक सबसे अच्छी चीज़ है, बाकी और चीज़ों में रिटर्न पॉलिसी रहती है। भैया बहुत रिटर्न आते हैं, मैं बताऊँ मेरा कपड़े का काम है तो मुझे टी शर्ट वगैरह में बहुत रिटर्न आते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में रिटर्न की पॉलिसी होती नहीं है। आप ऐसे लगा लो कि जो आपने एक बार चला गया वो चला गया, आपको पैसे आने ही आने। चलिए तीसरे चीज़ पर बात करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ ये होगी आपके, ये एक लगा लो उपले। उपले की भी गाँव में शहरों में बड़ी ज़रूरत पड़ती है, अब लोग कहाँ जाएंगे, ये सब चीज़ें पता क्यों बिकती हैं, सबसे बड़ी चीज़ पहले इनको समझने की कोशिश करो, क्योंकि लोग क्या करते हैं अब शहरों में ये चीज़ चाहिए, क्योंकि सबको थोड़ा शौक में है कुछ ऐसे, अब लोगों को अब ढूंढने कहाँ जाएं, लोगों को पैसे की कमी नहीं है। हकीकत पर उन्होंने फटाफट मोबाइल उठाया और ऑर्डर कर दिया, और ऑर्डर कर दिया तो पता है कि आपको अगले दिन दे जाएगा। तो ये ढूंढने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आपकी लकड़ी, अगर आपको बोला जाएगा आपके घर में हवन है भैया, कहाँ ढूंढने जाओगे, मार्केट पता नहीं कहाँ मिलेगी, किससे के मिलेगी, तो लोग क्या करते हैं फटाफट ऑनलाइन ऑर्डर कर देते, क्योंकि आजकल ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। ऐसे ही उपले की बात करूँ, रेट में यहाँ लगा दूँ, आप देख लेना 4-4, 5-5 छोटे छोटे उपले, इनकी कीमत आप देखोगे ना वैसे 200-200 रुपये, 250-250 रुपये, 150-150 रुपये, थोड़ी सी अगर ज़्यादा 10-11 कर दिए, छोटा बड़ा पैकेट बना दिया तो भाई साहब वही 250-300 रुपये का हो गया, और आपके यहाँ पर क्या कीमत है उसकी, ऑलमोस्ट फ्री। थोड़ा बहुत मान लो जो हम मेहनत और वो लगा लें तो 10-15 रुपये से ज़्यादा का नहीं पड़ता, और आप भी कितने का रहा है 150-200 रुपये का, कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपने 3-4 प्लेटफॉर्म पे ये तीनों चीज़ें रजिस्टर कर दी तो मैं कहूँगा दिन के 10 ऑर्डर भी आ गए मरीज मरी हालत में, डेली बेसिस पर अगर आपके 10 ऑर्डर भी आ रहे हैं तो 1000-1500 रुपये आपके कहीं नहीं गए, कम से कम बता रहा हूँ। और इसके अलावा मैं आपको 3-4 चीज़ें और बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा आपके गाँव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी फसल पैदा होती हैं, जैसे दालें हैं या फिर धनिया है या फिर मिर्ची है या फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इनमें ऐसी होती हैं जिनमें खाद वगैरह का यूज नहीं, जैसे दालें, दालों में ऑलमोस्ट देखा होगा गांव में खाद लोग नहीं लगाते, क्योंकि वो नेचुरली मतलब बिना खाद और उसके हो जाते, तो ये क्या होगी जिसमें खाद वगैरह पेस्टिसाइड ना लगे तो उनको क्या बोलते भैया ऑर्गेनिक। तो आप इस तरह की फसल को ऑर्गेनिक छोटे छोटे पैकेट बनाइए 0.5 किलो 1 किलो के, और ये भी लिस्ट कर दीजिए ऑर्गेनिक, बड़े महंगे रेट पर बिकता है जो आपके यहाँ पे, सही बताऊँ जिसकी कीमत आपको अगर आपके खेत का है तो भाई सब बहुत अच्छा नहीं भी है ना, आप बाहर से ले भी लोगे ना, दुकान जो खेती में करते हैं लोग उनसे लेके साफ सुथरा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, उसकी सफाई करो अच्छे से पैकेट करो और ऑर्गेनिक के नाम पे बेचो भाई सब, क्योंकि इनमें खाद में खाद वगैरह नहीं लगती, जैसे चने हुए, मेथी हुआ, आपका दालें हुई, मैंने देखा इनमें खाद वगैरह लोग यूज नहीं करते, तो ये ऑर्गेनिक करके आप बेच सकते हो, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है, डबल रेट पे बिकता है ऑलमोस्ट, मतलब 200-250 से नीचे कोई सी भी दालें आपको ऑर्गेनिक नहीं मिलेंगी इन सब चीज़ों का। और आपके यहाँ पे ये चीज़ें बड़े आराम से अवेलेबल होती हैं, आप कसूरी मेथी की खेती कर सकते हो और गाँव में इजीली करके बहुत अच्छे रेट पर बिकती है भाई साहब, जो 50-50 ग्राम की कीमत भाई साहब 50-50 रुपये 35-35 रुपये है, आप इसी से अंदाज़ा लगाओ और आप उसको खेत में करवा सकते हो। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, अगर वहाँ आपने मेहनत कर ली खेतों से, आप किसी से किसान से खरीद लो और उनको थोड़ा सा प्रोसेस करवाओ, साफ सुथरी करवाओ और अच्छे से पैकेट बनाओ, उसके बाद आप उनको मार्केट में ऑनलाइन ले जाओ, ठीक है। आजकल आने वाला जो टाइम है और जितनी भी चीज़ें हैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि लोग मार्केट में वैसे तो बैठे ही हैं, उतना आपको उनको रेस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ पर क्या है देखो, ना तो आपको दुकान चाहिए, कोई दुकान की ज़रूरत नहीं है, कोई मटेरियल आपको स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है, जितने ऑर्डर आए थोड़ा थोड़ा इतनी जल्दी ऑर्डर आपके इतना वो नहीं होता, क्या होता है कि आपके 2-2, 4-4 ऑर्डर आएंगे, जैसे बढ़े आप अपने स्टॉक को बढ़ाते जाइए। ये बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो ऑलमोस्ट फ्री में हो जाती, बिल्कुल पैसा नहीं लग रहा। कुछ चीज़ें हैं आपकी जो मैं अब कह रहा हूँ आपके घर की खेतों में पैदा होती है, उनको प्रोसेस का मतलब है आप उनको साफ़ सुथरा थोड़ा सा करो,
देखो जो चीज बेचो ना उसको थोड़ा सा तरीके से बेचो और थोड़ा सा अच्छे उससे करने की कोशिश करो, जबरदस्त चलने वाला और बहुत अच्छा पैसा दे सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए बढ़िया और अच्छे वीडियो लाता हूँ, अच्छी चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ।